नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अभय विशाल। राजधानी पटना में सरस्वती पूजा को लेकर प्रशासन ने दिशा निर्देश जारी कर दिया है। जारी निर्देश के अनुसार सरस्वती पूजा पर इस बार डीजे नहीं बजेगा, वहीं सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए प्रशासन की अनुमति लेनी होगी। जिला प्रशासन ने नगर निगम को निर्देश दिया है कि कृत्रिम तालाब में मूर्ति विसर्जन कराएं। इस बार गंगा नदी में मूर्ति विसर्जन नहीं किया जाएगा। इसके साथ ही पूजा के अगले दिन यानी कि 17 फरवरी के दिन ही मूर्ति का विसर्जन करना होगा। डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह की अध्यक्षता में बुधवार को ही बैठक में यह निर्णय लिया गया है। बैठक के बाद जिला प्रशासन ने सरस्वती पूजा के लिए एक गाइडलाइन जारी की है। शिक्षण संस्थानों जैसे स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान में पूजा के आयोजन की अनुमति दे दी गई है। सभी को इस दौरान कोविड-19 के नियमों का पालन करना होगा। डीएम ने सभी विश्वविद्यालय प्रशासन एवं कॉलेज प्रशासन को यह निर्देश दिया है कि कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए ऐसे किसी सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन नहीं कराया जाए जिसमें डीजे का इस्तेमाल हो, साथ ही भीड़ भाड़ नहीं हो, इसका पूरा ख्याल रखना होगा। जहां पूजा पाठ का आयोजन होगा उस स्थल पर सैनिटाइजर, मास्क आदि का प्रयोग कराया जाना सुनिश्चित किया जाए। डीएम के अनुसार कोरोना वायरस से संक्रमण का खतरा अभी खत्म नहीं हुआ है, इसलिए सुरक्षा की दृष्टि से इसको लेकर जारी दिशा निर्देशों का पालन करना बहुत जरूरी है। डीएम ने सभी एसडीओ, डीएसपी एवं थाना प्रभारियों को निर्देश दिया है कि अपने अपने क्षेत्र में शांति समिति की बैठक करें, पूजा समितियों को आदेश का अनुपालन करने के लिए कहें। डीएम ने बताया कि सरस्वती पूजा के दौरान कहीं भी ऐसे कार्यक्रम का आयोजन की अनुमति नहीं दी जाएगी जिसमें अधिक भीड़भाड़ हो। नगर निगम मूर्ति विसर्जन के लिए कृत्रिम तालाब बनाएगा। मिली जानकारी के अनुसार अश्लील गाना बजाने पर पूर्णतया रोक रहेगी, इसकी प्रभावी मॉनिटरिंग करने का निर्देश भी दिया गया है। सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन के लिए अनुमति लेने का निर्देश भी दिया गया है। कोविड के वर्तमान दौर में सार्वजनिक स्थानों पर भीड़भाड़ भी नहीं लगाना है, इसकी प्रभावी मॉनिटरिंग एवं अनुपालन सुनिश्चित कराने का निर्देश थाना प्रभारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी को दिया गया है। साथ ही सभी एसडीओ एवं एसडीपीओ भी इसकी मॉनिटरिंग करेंगे। वहीं असामाजिक तत्वों पर पुलिस की विशेष नजर रहेगी। जिलाधिकारी ने जुलूस का रूट तय करने, शांति व्यवस्था बनाए रखने तथा आवश्यक निरोधात्मक कार्रवाई करने का सख्त निर्देश दिया है। सामाजिक तनाव पैदा करने वाले, सामाजिक सद्भाव भंग करने वाले और सामाजिक विद्वेष पैदा करने वाले असामाजिक एवं उपद्रवी तत्वों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बताया जा रहा है कि पूजा के शांतिपूर्ण आयोजन तथा विधि व्यवस्था संधारण हेतु जिलाधिकारी एवं वरीय पुलिस अधीक्षक द्वारा पर्याप्त संख्या में दंडाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी एवं पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की जाएगी। सरस्वती पूजा के मद्देनजर प्रशासन ने जो महत्वपूर्ण निर्देश दिया है वो इस प्रकार है। पूजा पाठ के दौरान कोविड-19 के मानकों का अनुपालन करना होगा। किसी तरह के आयोजन के लिए प्रशासन से अनुमति लेनी होगी। गंगा नदी में मूर्ति विसर्जन पर रोक रहेगी। कृत्रिम तालाबों में ही विसर्जन किया जाएगा। 17 फरवरी को दिन में ही विसर्जन किया जाएगा। तो अभी के लिए बस इतना ही। बिहार की हर छोटी बड़ी खबरों से रूबरू रहने के लिए देखते रहिए बिहारी न्यूज। धन्यवाद।